आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। हम पिछले वीडियो में लंब वृत्तीय शंकु के आयतन वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन पर आधारित एक दिलचस्प उदाहरण देख चुके हैं। आज इस वीडियो में हम लंब वृत्तीय शंकु के आयतन वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन पर आधारित कुछ मजेदार उदाहरणों को देखेंगे। थॉमस, तुमने ये इतना बड़ा शंक्वाकार गड्ढा क्यों खोद रखा है? मैंने ये पक्षियों को पानी पिलाने के लिए बनाया है। अरे वाह, लेकिन इसमें लगभग कितना पानी भर पाता होगा? इसका उत्तर तो हम गणित के द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। ये गणित का समय है। देखो मानस, ये गड्ढा शंक्वाकार है। जितना पानी इसमें भर सकता है वो इसकी धारिता के बराबर है, और इसकी धारिता गड्ढे के आंतरिक आयतन के बराबर होगी। इसलिए हमें केवल गड्ढे के आंतरिक आयतन को ज्ञात करना होगा। मैं झट से इसका उत्तर ज्ञात कर सकता हूँ। शंक्वाकार गड्ढे का ऊपरी व्यास 12 सेंटीमीटर है, यानी इसकी त्रिज्या 12/2 6 सेंटीमीटर है। गड्ढे की गहराई 20 सेंटीमीटर है, जो इस शंक्वाकार गड्ढे की ऊंचाई के बराबर है। और जैसा कि तुम जानते हो, क्योंकि इस गड्ढे की ऊंचाई इसके आधार पर लंब है, हम कह सकते हैं कि ये गड्ढा एक लंब वृत्तीय शंकु है। अब बस हमें इस लंब वृत्तीय शंकु के आयतन के सूत्र में R और H की जगह क्रमशः गड्ढे की ऊपरी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर और उसकी ऊंचाई या गहराई 20 सेंटीमीटर को लिखकर इसे हल करना होगा। देखो मानस, गड्ढे का आंतरिक आयतन 754.28 सेंटीमीटर घन है, और हम जानते हैं कि 1 सेंटीमीटर घन 1 मिलीलीटर के बराबर है। इसलिए हम कह सकते हैं कि गड्ढे की धारिता कैपेसिटी 754.28 मिलीलीटर है। ये तो काफी पानी है। थॉमस, चलो हम जल्दी से अपनी दुनिया में लौट चले। अब तक तो बहुत सारे पक्षी तुम्हारे गड्ढे में से पानी पीने के लिए जमा हो गए होंगे। दोनों दोस्त कई रंग बिरंगे पक्षियों को थॉमस के गड्ढे में से पानी पीते देख बहुत खुश हो गए। दोस्तों, इस वीडियो में हमने लंब वृत्तीय शंकु के आयतन वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन पर आधारित एक मजेदार उदाहरण को देखा। तो उम्मीद है कि अब आपको लंब वृत्तीय शंकु के आयतन वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन की अच्छी समझ हो गई होगी।